हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम कवर करें चैप्टर नंबर 16, जो कि डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन। एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था नेशनल इमरजेंसी को, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम कवर करें सेकेंड पार्ट। एंड जो सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रेजिडेंशियल रूल क्या होता है, एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो क्या होती है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। एंड आपने अभी तक हमारा पार्ट वन नहीं देखा है इमरजेंसी प्रोविजंस का, आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर आपको जो भी हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 to 15 कवर किए हैं, सभी वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, तो आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजिडेंट रूल। एंड प्रेजिडेंट रूल के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्रेजिडेंट रूल किस राज्य में लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है, यानी कि रीजन्स क्या हैं, कब लगाया जाता है, एंड अगर उसे हटाना है तो उसका प्रोविज़न क्या है, लगाने का प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। देखिए, हम अगर ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला आर्टिकल आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 355, जिसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हर एक गवर्नमेंट स्मूथली रन करे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट स्टेट के अंदर वर्क नहीं करती है, तो सेंटर का काम होता है कि उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। अगर फिर भी स्टेट के अंदर सेम लेजिस्लेचर उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो उसे भंग किया जा सकता है। ये पावर देती है आर्टिकल नंबर 355 में आपको देखने को मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होती है, तो आर्टिकल नंबर 365 का यूज़ किया जा सकता है। ये आप यहाँ पे नीचे देख भी पा रहे होंगे, सारी चीज़ें नीचे मेंशन भी की हुई है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अगर हम फर्दर डेप्थ में बात करें कि अगर जब इम्पोज करना है प्रेसिडेंट रूल को, तो कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है, आर्टिकल नंबर 356। लेकिन आप किन किन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोल सकते हैं आर्टिकल नंबर 355 है ये वायलेट हो रहा है, राइट। एंड आर्टिकल नंबर 365, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 365, अगर ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क नहीं कर रही है, एंड सेंटर के थ्रू कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो भी गाइडलाइन सेंटर के द्वारा दी गई है स्टेट को, अगर स्टेट वो फॉलो नहीं करता है, तो प्रेजिडेंट रूल लगाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लगाया है, आप इसको समझ सकते हैं एज ए स्टेट्स, कि हर एक स्टेट का शेप अलग है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। एंड सेंटर ये नहीं बोल सकता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेंटर ऐसा फेस नहीं बना सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अप्रूवल कैसे लिया जाता है, ठीक है, प्रोसीजर क्या है, कितने टाइम के लिए जो एमरजेंसी है इम्प्लीमेंट की जाती है। देखिए, जो अप्रूवल का प्रोसीजर बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर जो रेजोल्यूशन लाया गया है प्रेसिडेंट रूल का, वो 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। जब भी आपको यहाँ पे पार्लियामेंट देखने को मिलता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर, ऑलराइट, एंड बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से पास होना जरूरी है। एंड ये दोनों इफ वाली कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाई थी, 2 बार मैंने इसलिए समझाई थी, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट वन, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसे चेकआउट कर लीजिएगा, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जाके बताने वाला हूँ सारी चीज़ें दोबारा। एंड यहीं पे अगर हम देखें, एक बार अगर पास हो जाता है रेजोल्यूशन, तो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 मंथ के लिए, राइट, सॉरी यहाँ पे ईयर नहीं है, 6 मंथ आएगा ये, ऑलराइट, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। एंड अगर आप उसको फर्दर और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो हर 6 महीने बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एंड दोनों हाउसेस से उसे पास करवाना होता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, अगर आप प्रेसिडेंट रूल को हटाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, जैसा हमने नेशनल इमरजेंसी के केस में देखा था कि इमरजेंसी को लगाना मुश्किल किया गया था, लेकिन उसको हटाना ईजी किया गया था। देखिए, आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले क्या था कि आप कंटिन्यू 3 साल तक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम 3 साल तक आप लगा सकते हो, राइट। लेकिन जब 1975 की जो इमरजेंसी आई थी, उसके अंदर क्या बोला गया था कि जो एक बार, मान लीजिए जैसे हमने देखा है कि एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, तो कितने महीनों के लिए वो वैलिड होता है, वो वैलिड होता है 6 मंथ के लिए, राइट। लेकिन 1975 की इमरजेंसी में
क्या चेंजेस हुए थे, वो 6 मंथ की बजाय उसको कर दिया गया था 1 साल के लिए। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अंदर पहला तो यही चेंज किया गया प्रोविजन, एंड एक और क्या सेफगार्ड लगाया गया कि अगर 1 साल से ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि आप 2 बार एक्सटेंड कर चुके हैं 6-6 महीने का, अगर आप तीसरी बार फिर एक्सटेंड करवाने जा रहे हैं तो आपको 2 क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल करने होंगे। ठीक है, वो 2 क्राइटेरिया कौन से हैं? सबसे पहला कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेशनल एमरजेंसी प्रोक्लेम हो रखी है, उसी की वजह से आपको स्टेट के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ रहा है, या तो ये रीज़न हो या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की हुई हो कि ड्यू टू सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते। देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसका मतलब यही होता है कि एज सुन एज पॉसिबल जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए, एंड उसको मेंटेन करने के बाद जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसको दोबारा वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे भंग कर दिया जाता है, राइट, एंड जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, गवर्नर के पास, एंड गवर्नर किसके रिप्रेजेंटेशन में वर्क करता है, वो वर्क करता है प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेशन में। फर्दर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं वो पावर किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है पार्लियामेंट के पास, यानी कि जो पहले लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वर्क कर रही थी वो सारे के सारे काम कौन करेगा, पार्लियामेंट के थ्रू वो काम होंगे। ऑलराइट, यहीं पे अगर हम अपने थर्ड पॉइंट में देखें, थर्ड पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्लियामेंट के द्वारा अथॉरिटी ली गई है उनके ऊपर सारे राइट्स होते हैं कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनको एस्टेब्लिश कर पाए पर्टिकुलर स्टेट में, राइट, एंड जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उनको दोबारा से इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए उस पूरे एरिया को। तो ये आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड कर दी गई है या तो डिसॉल्व कर दी गई, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो को मीट आउट करने के लिए पार्लियामेंट या तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी लॉ मेकिंग की, या फिर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाई जा सकती है जिसका काम क्या रहेगा, लॉ मेकिंग का। एंड इस तरीके के कोई भी लॉ बनाए गए हैं तो ये सेंटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, उसके ऑफिसर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, एंड अथॉरिटीज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। ऑलराइट, अब बात आती है कि स्टेट के अंदर एक्सपेंडिचर करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा कहाँ से आएगा, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कंसोलिडेट फंड से उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट, एंड जब भी नेक्स्ट सीटिंग होगी तो कंसोलिडेट फंड के अंदर उसे दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड यहीं पे अगर हम देखते हैं जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है, अगर लोकसभा पावर में नहीं है एंड लॉ मेकिंग की पावर नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जो कि 6 मंथ उनकी वैलिडिटी होती है, एंड नेक्स्ट जब भी लोकसभा पावर में आती है, आई मीन टू से लोकसभा अगर सेशन में आती है तो वो स्पेसिफिक लॉ क्रिएट कर सकते हैं अगर डेलीगेशन नहीं दिया गया है पावर का। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखें, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल नंबर 352 एंड जो प्रेसिडेंट रूल है ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफर करते हैं। तो स्टूडेंट, जो अभी हमने पार्ट वन के अंदर जितने भी पॉइंट कवर किए थे एंड जो अभी तक हमने पार्ट सेकंड में जो भी पॉइंट कवर किए, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट आपके लिए सम अप कर दिए, लिस्ट अप कर दिए, तो आप इसको एक बार पॉज करके इस वीडियो को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा से कवर नहीं करूँगा, लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है मैंने लास्ट स्लाइड में आई थिंक मिस आउट कर दिया था, एंड लास्ट में मैंने आपको बताया भी था आपको आंसर करना है, यहाँ पे मैं आंसर कर देता हूँ। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, उसे जब जितने टाइम के लिए लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं, राइट, लेकिन उसको हर 6 महीने के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा दोनों हाउसेज से, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, प्रेसिडेंट रूल एक बार पास होने के बाद 6 महीने के लिए वैलिड होता है, राइट, एंड अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो कितने टाइम के लिए होगा, मैक्सिमम 3 साल के लिए हो सकता है। एंड इसके अंदर भी हमने कंडीशन देखी थी कि अगर 2 बार ऑलरेडी आप पास करवा चुके हैं 6-6 महीने का, उसके बाद अगर आप तीसरे महीने पास करवाना चाह रहे हैं, यानी तीसरी बार पास करवाना चाह रहे हैं, तो आपको जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, प्रोविजंस हैं, वो फुलफिल करने होंगे उनमें से कोई एक, तभी आप उसे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एंड ये
नेक्स्ट आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पे कवर नहीं हुए थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एड ऑन कर दिए ताकि आपकी स्टडी को एक जगह कंसोलिडेट किया जा सके। तो इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 356 है उसका यूजेज क्या है। देखिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल नंबर 356 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, राइट। एंड जो उसकी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो किसके द्वारा हेडेड होती है, सीएम, राइट। तो सीएम को हटा दिया जाता है एंड जो कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव मशीनरी होती है उसकी पावर किसके हाथ में आती है, गवर्नर के। एंड गवर्नर किसके रिप्रेजेंटेशन में काम करता है, वो काम करता है प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेशन में, राइट। एक पॉइंट ये। एंड अगर आप सेकंड पॉइंट समझना चाहेंगे तो सेकंड पॉइंट आपको बुक में क्या मिलेगा, हाई कोर्ट से रिलेटेड। देखिए जैसा हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कम नहीं की जा सकती किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट से रिलेटेड कि हाई कोर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई भी स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है तो हाई कोर्ट के सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट की जो भी पावर है उसको कम नहीं किया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। एंड जो भी उसके साथ प्रेस्टीज एंड जो भी रेमुनिटीज जो भी अलाउंसेज जुड़े हुए हैं हाई कोर्ट के जजेस के साथ उसे कम नहीं किया जा सकता, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है अगर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 356 के यूजेस से रिलेटेड, तो आर्टिकल नंबर 356 को अब तक 100 बार मीन्स मोर देन 100 टाइम इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। एंड इसे सबसे पहली बार कब लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था 1951 के अंदर, जब आर्टिकल नंबर 356 से रिगार्डिंग अंबेडकर जी से क्वेश्चन पुट किया गया तो अंबेडकर जी ने यही बोला था कि आर्टिकल नंबर 356 फ्यूचर में कभी भी यूज होने वाला नहीं है, ये एक डेड लेटर है, राइट। इसे इसलिए ऐड किया गया है कि इन केस कोई भी फर्दर चांसेस ना रहे, कोई सेकंड ऑप्शन ना रहे, यानी लास्ट प्रोविजन के तहत इसको यूज किया जाएगा। लेकिन हमें जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या देख पाए हैं कि अगर कंट्री के अंदर 100 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, अगर हम इसको ऑन एन एवरेज लेके चलें कि साल में 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो इसका मतलब यही है कि कितना मिसयूज हुआ है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जिस वक्त जनता गवर्नमेंट आई थी 1978 के बाद, यानी जो एमरजेंसी को ख़त्म करके एमरजेंसी को डिसॉल्व करने के बाद जब जनता गवर्नमेंट पावर में आती है, तो जो 9 राज्य थे जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो पावर का यूज़ करते हुए उन 9 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया। तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी 1980 के अंदर, जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है, जिस जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी, उनके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट को भंग कर दिया गया प्रेसिडेंट रूल का यूज़ करते हुए, यानी कि आर्टिकल नंबर 356 का यूज़ करते हुए, जो यहाँ पे अब तक मिसयूज होता गया आर्टिकल नंबर 356 का, इसी के ऊपर रोक लगाने के लिए। तो आपको सबसे पहली बार क्या देखने को मिलेगा, एक लैंडमार्क केस देखने को मिलेगा 1994 का, जो एसआर बॉम्बे केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 10 ऐसे पॉइंट दिए थे जिसके अंदर बताया गया था कि आप किस किस सिनेरियो के अंदर आर्टिकल नंबर 356 का यूज़ करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया था, देखिए ये एसआर बॉम्बे केस के अंदर अपील की गई थी, जो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इसके अंदर जो गवर्नमेंट को भंग किया गया था ये इनवैलिड था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर के द्वारा एक तर्क ये दिया गया था, सेकुलरिज्म को देखते हुए हमने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में से जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसे भंग किया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है तो हम इसे अपहेल्ड नहीं करते, यानी कि हम इसे खारिज नहीं करते। लेकिन जो नागालैंड के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 1988 में, कर्नाटक में 1989 के अंदर, एंड मेघालय में जो रूल लगाया गया था 1991 में, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो गलत था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसी के तहत आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एसआर बॉम्बे केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 10 ऐसे पॉइंट बताए थे जिसके द्वारा ये चेक किया जाएगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 356 का यूज़ किया गया है प्रेसिडेंट रूल के लिए, क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रोक्लेमेशन हुआ है प्रेसिडेंट रूल, वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट रहेगा, आप इसको खारिज नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी आप ऐसा रूल और लॉ नहीं बना सकते हैं जिसमें ये मेंशन हो कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है।
सेकंड, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना होगा कि कौन से रेलेवेंट मटेरियल के बिहाफ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। एंड यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक मटेरियल प्रोवाइड करना, तो इसका बर्डन आपको किसके ऊपर देखने को मिलेगा, सेंटर के ऊपर डाला गया था ये बर्डन कि आपको चेक करना है जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। और यहीं पे अगर हम देखते हैं जो आपको फोर्थ पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया वो सही था या गलत था, वो ये देखेगा कि जो मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, राइट, जो मटेरियल बताया गया है यानी कि जो रीजन बताया गया इम्पोजिशन का, क्या वो राइट है या नहीं है। जैसे कि आपने देखा था कि सेक्युलरिज्म की बात हुई थी कि सेक्युलरिज्म के वर्ड को देखते हुए यानी कि सेक्युलरिज्म को देखते हुए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि यस दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इसे अपहेल्ड रखा जाएगा यानी कि इसको हम नल एंड वॉइड नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपको फर्दर यहाँ पे और जो आर्टिकल्स यानी जो पॉइंट्स है इसमें क्या देखने को मिल रहे हैं, यहीं पे अगर हम अपने पॉइंट नंबर 5 की बात करें, इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जिस गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था उसे दोबारा से रिवाइव करके उसको दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लाना, यानी कि वो दोबारा से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एंड जो मशीनरी है उसको स्टैब्लिश कर पाए अपने स्टेट के अंदर। इसी के साथ साथ जो आप पॉइंट नंबर 8 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आप इस बिहाफ पे उनको डिसॉल्व कर रहे हैं यानी कि सस्पेंड कर रहे हैं, उनके पास मेजोरिटी नहीं है, उनको सस्पेंड करने से पहले आप उनको चांस देंगे कि वो अपनी फ्लोर टेस्ट कंप्लीट करें। देखिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि आप अपने आप की मेजोरिटी साबित करेंगे अपने विधायकों के साथ, राइट, ये सिंपल फ्लोर टेस्ट होता है। आप विदाउट फ्लोर टेस्ट करवाए किसी भी मिनिस्ट्री को किसी भी गवर्नमेंट को भंग नहीं कर सकते एंड प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, SR बॉम्बे केस हुआ था, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल नंबर 356। देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए जनरल इलेक्शन हुए हैं एंड उस जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो गवर्नर रूल यानी कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें महाराष्ट्र का, देखिए महाराष्ट्र में भी आपको सेम यही सीन देखने को मिला था कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए कोई भी पार्टी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पाई एंड वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। राइट, अगर सेकंड पॉइंट में देखें, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि अगर 3-4 पार्टी मिलकर कोई भी कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं होती है तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री रिजाइन करती है, देखिए अगर हम यहाँ पे वर्ड मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, राइट, यहाँ पे एक एक वर्ड को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट रिजाइन करती है डिफीट होने के बाद एंड कोई भी अदर पार्टी विलिंगली नहीं है, विलिंगली आई मीन टू से उनके पास मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट फॉर्म करने की, तब भी गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है ये बहुत ही रेयर चांस आपको देखने को मिलेगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विलिंगली सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वो एकदम ओपन में आके विरोध करते हैं सेंटर के द्वारा बनाए गए हर कानून को, तो आप ये बोल सकते हैं कि वायलेंट रिवोल्ट करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड मशीनरी को वो अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या बोला गया है कि किस किस बिहाफ पे जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो इम्प्रॉपर होगा। देखिए जो हमने पहला देखा था ये था प्रॉपर कि कब कब लगाया जा सकता है, प्रॉपर वे क्या है। एंड यहीं पर अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें, देखिए इम्प्रॉपर का मतलब क्या है कि बट अगर हम यहाँ पे इम्प्रॉपर वे का देखें, इम्प्रॉपर वे में क्या होगा, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है इसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है एंड इस गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर ने किसी भी दूसरी और पार्टी को ऑप्शन ही नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे एंड सिंपल सा प्रेसिडेंट जी को ये बोल दिया गया कि आप हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है, राइट। ये आपको फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट में आप क्या देखेंगे, राइट, सेकंड पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम ये उसी से ही मिलता जुलता पॉइंट है जो हमने पहला डिस्कस किया है। इसमें क्या है कि आप विदाउट एनी फ्लोर टेस्ट करवाए, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था कि फ्लोर टेस्ट करवाने के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब आप प्रेसिडेंट रूल की तरफ जाएंगे, लेकिन
यहाँ पे इम्प्रॉपर वे में क्या बोला है कि आपने फ्लोर टेस्ट करवाया ही नहीं है, फ्लोर टेस्ट बिना करवाए गवर्नर की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है कि आप पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेजिडेंट रोल को एस्टेब्लिश करिए। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी भी नहीं थी कि प्रेजिडेंट रोल लगाया जाए, यानी कि एक स्पेसिफिक लेवल को देखा जाता है। अगर ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा अगर कोई वायलेंस हुआ है, आई मीन टू से अगर कोई 10 लोग आके कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से आप पूरे स्टेट के अंदर प्रेजिडेंट रूल को इम्पोज कर दें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इम्प्रॉपर वे में। बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ें, एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखें जो कि बताते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कवर है आपके आर्टिकल नंबर 360 के अंदर। एंड अगर हम ओवरव्यू अगर बात करें, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया नहीं गया है, क्योंकि आज तक इंडिया के अंदर कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाए। यहीं पे अगर हम बात करें, ऐसा एक सिनेरियो जनरेट हुआ था 1991 के अंदर जब इंडिया का फॉरेक्स 15 डेज के नियर बाय पहुंच गया था, उससे अगर और कम होते तो इंडिया किसके अंदर फंस जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर फंस जाता, यानी कि BOP एक क्राइसिस होता है, वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले, बैलेंस ऑफ प्राइसिस क्या होता है। एंड 1991 के अंदर LPG रिफॉर्म्स क्या थे, ये सारे हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के लेक्चर को। जब हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर कवर करेंगे तो ये सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि LPG मूवमेंट क्या था, LPG रिफॉर्म क्या थे, ये सारी हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी अमेंडमेंट मेंशन किए ये हम ओवर द ऑल सारे डिस्कस कर चुके हैं। 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 44th के अंदर क्या क्या चेंजेस किए थे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि वही जो पॉइंट्स हैं दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी में। एंड सेम यही जो अप्रूवल है ये आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, राइट, कि आपको दोनों हाउसेस से विद इन 2 मंथ आपको पास करवाना होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम पीरियड की, देखिए जो नेशनल इमरजेंसी थी उसके अंदर भी मेंशन किया गया था, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं है। एंड लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी थी, ये प्रेजिडेंट रूल था, उसके अंदर हमने देखा था कि 3 ईयर मैक्सिमम मेंशन किया गया है कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जहाँ तक हमने पढ़ा था कि अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है हर 6 महीने में दोनों सिनेरियो में, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में किसी भी तरीके की रिपीटेड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो कि आपको बताता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। देखिए सिंपल सा इम्पैक्ट ये है कि जो भी मॉनेटरी पावर होती है वो किसके पास चली जाती है, मॉनेटरी पावर चली जाती है पार्लियामेंट के पास। इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर होती है, जो स्टेट के पास फंड जा रहा है या तो उसको कम किया जा सकता है या उसको कम्प्लीटली बंद किया जा सकता है। बट मान लीजिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो गई है, लेकिन जो प्रोविजंस लगाए गए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के वो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक कंटिन्यू रहता है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे अगर जून के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया तो नेक्स्ट जो 31st मार्च है ये प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा, वो चेंजेस नहीं रहेंगे। एंड फर्दर अगर हम बात करें, अगर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव वर्क कर रही हैं उसे डिसॉल्व नहीं किया गया है तो क्या देखने को मिलेगा, अगर स्टेट के द्वारा कोई भी मनी बिल पास करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के थ्रू परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसे अपने स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिटिसिज्म की, देखिए आपको हर जगह क्रिटिसिज्म देखने को मिलेंगे हर एक पॉइंट की, लेकिन डिपेंड करता है आप उसके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने UPSC के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, देखिए UPSC चाहता है कि आप जो भी आंसर लिखें वो हमेशा बैलेंस प्रोस्पेक्टिव से लिखें। आपको अगर जो प्लस पॉइंट बता रहे हैं तो आपके उसके कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट भी पता होने चाहिए। एंड इन दोनों पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद आपको अपना कंक्लूजन भी देते आना चाहिए। यही है सिंपल जो मेंस होता है उसके आंसर राइटिंग के अंदर, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो जितने भी हम यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, जितने भी इन्फोग्राफिक हम यहाँ पे दे रहे हैं आप इनका डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको लेक्चर्स करवाए थे उनके अंदर इस तरीके के इन्फोग्राफिक यूज ना करके मैंने डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको पढ़ाए थे, राइट। तो अब आप खुद इमेजिन ये देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एक अगर आप फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, अगर आप सिमेटिक डायग्राम का यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट को समझाने में, तो वो ईजी होता है समझना और जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी रिटेंशन है वो आपके लिए भी बेटर रहती है। तो चलिए हम यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे,
तो देखिए बेसिक क्रिटिसिज्म क्या बोलता है, अगर इंडिया के पास उसका फेडरल कैरेक्टर है, फेडरल कैरेक्टर होने की वजह से क्या है कि पावर का सेपरेशन होना जरूरी है, लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी की ड्यूरेशन में क्या होता है, फेडरल कैरेक्टर चेंज हो जाता है यूनिटरी कैरेक्टर के अंदर, राइट। तो ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगे तो इस तरीके से होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड ना हो, क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट है एक हाथ से तो दिए जाते हैं लेकिन दूसरे हाथ से फंडामेंटल राइट को छीन भी लिया जाता है, राइट। ये यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है जो डिस्ट्रॉय होते हैं ये अभी मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, यहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, देखिए सेकंड पॉइंट में ये बोला गया कि कुछ पावर स्टेट को भी देनी चाहिए इनकेस अगर कोई भी इमरजेंसी लगी हुई है। तो इससे होता है कि अगर आप ऐसा डिवेल्यूशन थोड़ा सा नहीं करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी एक अथॉरिटेटिव रूल्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, देखिए प्रेसिडेंट के पास आप बिल्कुल सुप्रीम पावर देते हैं जिसकी वजह से एक डिक्टेटरशिप भी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपको ये तीन चार क्रिटिसिज्म से जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ये आपको समझने को मिलेंगे। और इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ध्यान दें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि किस किस राज्य में कब कब इमरजेंसी को लगाया गया है। तो ये आपके लिए कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ पे आपको 11 राज्य दिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लिस्ट में आप देख रहे हैं टोटल 29। इसके अंदर आप एक और एड ऑन कर लीजिएगा जो अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर इमरजेंसी लगी थी, राइट, अब वो भी ऐड कर लीजिएगा। और आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि इस तरीके की जो बोर्ड्स हैं आपको किस राज्य में देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, एंड फर्दर जितने भी हमने आर्टिकल आज की डेट में स्टडी किए हैं कि आर्टिकल नंबर 352, 353, ये जितने भी आर्टिकल हमने स्टडी किए आपके लिए यहाँ पे मैंने एनलिस्ट कर दिए, सिंगल स्लाइड में रिविजन कर पाए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इनकेस अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.